अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब करें और इस बेल बटन को दबाने के बाद आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाए। हेलो एवरीवन, मैं हूं सारा पदस पापा से इस वीडियो के साथ और आज के इस वीडियो में बात करने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जो आपके रोजमर्रा जिंदगी में आपको देखने मिलता है। तो किस बारे में बात करने वाला है, ये टाइटल और थंबनेल में तो आपने जरूर पढ़ा ही होगा। जी हाँ, हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो ट्रांसमिशन लाइन होता है जो आपको बाहर में देखने मिलता है बड़े बड़े कंडक्टर्स में, बहुत ही हाई वोल्टेज में हम लोग करंट को ट्रांसमिट करते हैं। तो इस हाई वोल्टेज लाइन में आपने अक्सर देखा होगा जो बर्ड्स वगैरह होते हैं, चिड़िया वगैरह होती है, ये बैठी हुई रहती है तो उसको कोई इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगता है, कुछ करंट वगैरह नहीं लगता है। तो क्यों? यानी कि अगर हम लोग इस हाई वोल्टेज लाइन पर अगर हम लोग बैठते हैं तो हमें क्या इलेक्ट्रिकल शॉक लगेगा? ये जो सारी बातें मैंने इस वीडियो में की है और इस वीडियो को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने जो भी छोटी मोटी जो कॉन्सेप्ट है उसको एकदम प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन देके मैंने एक्सप्लेन किया है तो और भी ज़्यादा मजा आएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है। और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं यार, अगर इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर क्या रहे यार, नीचे रेड कलर का बटन आपको दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब करो और बेल बटन को जरूर दबाना ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो साइंस के कुछ बेसिक लॉज है कि करंट कब फ्लो होगा, कैसे फ्लो होगा, क्यों फ्लो होगा। अगर इन सब बातों को आप समझ जाते हो तो आपके सारे सवालों का जवाब आपको अपने आप मिल जाएगा। तो मैं वन बाय वन करके आपको तीन छोटे छोटे लॉज के बारे में बताऊंगा, और मैं बताऊंगा नहीं, आपको दिखाऊंगा, आपको प्रैक्टिकली फील करवाऊंगा कि वाकई जो लॉज ऐसे बोलने के लिए नहीं, ये रियल में भी काम करते हैं। तो जो सबसे पहला लॉ है हमारा वो ये बोलता है कि करंट तभी फ्लो होगा जब हमारा सर्किट कंप्लीट होगा, यानी कि क्लोज पाथ होगा। तो ये क्या होता है? तो देखिए, इसको समझाने के लिए मैंने एक सर्किट बनाया है ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दे पाऊँ। तो यहाँ पे मैंने एक 100 वाट का बल्ब कनेक्ट किया है, सीरीज में है, और इसको मैं 220 वोल्ट का एसी सप्लाई देने वाला हूँ। देखिए, हम लोग सर्किट डायग्राम से और भी अच्छे तरीके से समझ लेते हैं कि ये हमारा बल्ब है और ये हमारा फेज का वायर है, ये हमारा न्यूट्रल है और इसको हम लोग एसी सप्लाई देने वाले हैं। तो फर्स्ट केस में मैं क्या करता हूँ कि ये जो फेज वाला वायर है इसको मैं इस बोर्ड में इंसर्ट करूँगा और स्विच ऑन करूँगा, पावर सप्लाई दूंगा, फिर देखूंगा कि ये जो बल्ब है वो ऑन होता है कि नहीं ऑन होता है। इसको किया, अब मैं इसको ऑन करता हूँ। तो देखिए, ये जो है हमारा ऑन नहीं हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस न्यूट्रल वाले वायर को भी इंसर्ट करेंगे, फिर उसके बाद इसको हम लोग ऑन करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि ये ग्लो करता है या नहीं करता है। तो देखिए, यहाँ से हमें दो चीज़ समझ में आया। पहला कि हमें सर्किट अगर कंप्लीट करना है तो हमें फेज न्यूट्रल दोनों ही चाहिए, और दूसरा और जो इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे हमारा सर्किट कंप्लीट हुआ। देखिए, पहले वाले केस में मैंने क्या किया था, सिर्फ फेज को इंसर्ट किया था, न्यूट्रल इंसर्ट नहीं किया था। तो उस केस में हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं था, यानी कि कोई करंट फ्लो यहाँ से नहीं हो रहा था और हमारा जो बल्ब है वो ग्लो नहीं कर रहा था। अभी वाले केस में क्या है कि जब मैंने सर्किट को कंप्लीट कर दिया है, जब मैं ऑन करता हूँ तो रेड वाले से हमारा करंट निकलता है और वाइट वाले से होते हुए इसमें घुस जाता है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग सर्किट कंप्लीट होना और हमारा क्लोज पाथ फॉर्म होना। हमारा दूसरा लॉ ये बोलता है कि हमारा करंट तभी फ्लो होगा जब दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो, यानी कि एक पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा और दूसरे का कम, और हमारा जो करंट है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। तो देखिए, अब मैं इसको जब ऑन कर रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है, ये ग्लो कर रहा है, यानी कि इस वायर से हमारा करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो हो रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है कि इस वायर के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल एक दूसरे से अलग है। तो देखिए, इसको और भी क्लियर समझने के लिए मैं बताऊं कि अगर मान लीजिए दो पॉइंट को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, इसको ए और इसको बी, तो ए वाला जो पोटेंशियल होगा वो बी के तुलना में ज्यादा होगा, तभी जो है हमारा करंट जो है इस डायरेक्शन से ऐसे फ्लो हो रहा था, ए से बी की तरफ फ्लो हो रहा था। इसको और भी अच्छे से समझने के लिए मैं आपको बताऊं कि मैंने क्या बताया था कि मैं क्या दे रहा हूँ, इसमें 220 वोल्ट सप्लाई दे रहा हूँ। इसका मतलब क्या होता है कि इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है अगर 220 है तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो जीरो होगा। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 220 वोल्ट है, तभी जो है इस हायर वाले पॉइंट से करंट निकल कर हमारे लोअर वाले पॉइंट में करंट आ रहा है। अगर इस दोनों पॉइंट का पोटेंशियल अगर हमारा सेम होता तो हमारा करंट फ्लो नहीं होता।
तो देखिए इसको अगर मैं निकाल करके यहाँ पे लगा देता हूँ दोनों सेम पोटेंशियल में, तो हमारे जो थ्योरी है जो हमने समझा अभी उसके हिसाब से इसको दोनों को अगर ऑन भी कर देंगे तो ये ग्लो नहीं करना चाहिए। तो करते हैं, तो देखिए ये ग्लो नहीं किया। अगर मैं जो है इसको अगर निकाल करके इसमें इंसर्ट कर देता हूँ और हमारा लॉजिक ये बोलता है, कंसेप्ट ये बोलता है कि अब ये ग्लो करना चाहिए, तो आपने देखा कि जब मैंने दोनों दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया तब हमारा करंट फ्लो हुआ, जब मैंने दोनों पॉइंट के बीच में सेम पोटेंशियल रखा तब हमारा करंट फ्लो नहीं हुआ। तो हमारा सेकंड लॉ यही बोलता है कि जब दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो तभी करंट फ्लो होगा, अदरवाइज ये करंट फ्लो नहीं होगा। तो यही था हमारा सेकंड लॉ। तो हमारा जो तीसरा लॉ है वो ये बोलता है कि करंट ऑलवेज फॉलो लो रेजिस्टेंस पाथ, यानी कि करंट वही पाथ को फॉलो करता है जहाँ पे उसको कम रेजिस्टेंस मिलता है, लो रेजिस्टेंस मिलता है। तो अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं हो तो आपको ये जो रेजिस्टेंस वर्ड है वो नया लग रहा होगा, तो अगर आप इसका हिंदी में मतलब सर्च करोगे गूगल में तो इसका मतलब होता है प्रतिरोध, यानी कि मना करना, यानी कि रुकावट डालना। और यहाँ भी इसका यही मतलब होता है, जब करंट फ्लो होता है तो उसको रुकावट करता है, वो रोकता है उसको। तो आप ही बताओ मुझको कि करंट कौन सा पाथ को फॉलो करना चाहेगा, वैसे पाथ को फॉलो करेगा जहाँ पे उसको रुकावट ज़्यादा मिल रहा है, या ऐसे पाथ को फॉलो करेगा जहाँ पे उसको कम रुकावट मिल रहा है। हाँ, वही पाथ को ये फॉलो करता है जहाँ पे इसको रुकावट कम मिलता है। तो देखिए हर एक डिवाइस का अपना अपना एक रेजिस्टेंस होता है। जैसे इस बल्ब का अगर रेजिस्टेंस का मैं बात करूं तो इसका रेजिस्टेंस होता है 484 ओम, अगर हम इसको 220 वोल्ट में ऑपरेट करते हैं। तो ये जो वैल्यू है ये कहीं आपको लिखा हुआ नहीं दिखेगा, ये मैंने कैलकुलेट किया है। अगर आप टेक्निकल स्टूडेंट हो, आपको जानना है कि ये कहाँ से मैंने कैसे कैलकुलेट किया, तो आप देख सकते हो, स्क्रीन को पॉज कर लो, और इसकी ज़रूरत नहीं है इसको एक्सप्लेन करने की, ये बहुत ईजी आपको समझ भी आ जाएगा। तो देखिए, तो जैसा मैंने बताया आपको ये बल्ब का अपना एक रेजिस्टेंस होता है, वैसे वायर का भी अपना एक रेजिस्टेंस होता है, पर वायर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है इस बल्ब के कंपैरिजन में। तो अगर मैं एक वायर को इसके पैरेलल में कनेक्ट कर दूं, एक नया पाथ दे दूं इसको, और फिर उसके बाद अगर मैं स्विच ऑन करूंगा तो हमारा जो करंट है वो इस डायरेक्शन में ना जाकर के इस लो रेजिस्टेंस वाले पाथ से फ्लो होकर के सर्किट को कंप्लीट कर देगा, यानी कि इस बल्ब से करंट फ्लो ही नहीं होगा, ये बल्ब ग्लो ही नहीं करेगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि क्या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है, प्रैक्टिकली भी ऐसा होता है। तो मैंने पूरा सारा अरेंजमेंट कर रखा है, इसको हम लोग फटाफट जोड़ते हैं, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं। सर्किट तो कंप्लीट हो गया, पर जब मैं इसको टेस्ट कर रहा था तो कुछ कमाल का ही कुछ हुआ, कि जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था कि जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा क्योंकि जो भी हमारा करंट है इस लो वाले रेजिस्टेंस वाले पाथ से फ्लो हो जाएगा, तो कुछ ऐसा ही हुआ, ये जो बल्ब है हमारा ग्लो नहीं किया, जितना हमारा करंट था वो इस लो वाले रेजिस्टेंस पाथ से फ्लो हो गया। पर कुछ ऐसा हुआ कि मेरे घर में जितने बल्ब और लाइट ग्लो कर रहे थे वो ग्लो करना बंद कर दिए, यानी कि फ्यूज़ उड़ गया था। देखिए ये होना ही था, अगर आप ठीक से देखोगे तो हुआ क्या था कि हमारा जो करंट है इस लो रेजिस्टेंस वाले पाथ से फ्लो हुआ, यानी कि ये पूरा एक वायर ही तो है, यानी कि मैं पॉजिटिव और नेगेटिव को कनेक्ट कर दिया था, यानी कि ये फेज और न्यूट्रल जो है एक वायर से शॉर्ट हो गए थे। और आप जानते हो जब भी शॉर्ट होता है तो क्या होता है कि बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉ करता है, और ये जो ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट है उस फ्यूज के वायर को मेल्ट कर दिया, यानी कि फ्यूज ऑपरेट हो गया। चलिए बढ़िया ही है यार, कुछ आपको नया जानने और सीखने को मिला। तो देखिए एक तरीका है जिस तरीके को आप यूज़ करके जो हमारा जो डिज़ायरेबल आउटपुट था उसको आंखों से देख सकते हो, क्योंकि इस केस में तो हम लोग देख नहीं पाए, बहुत जल्दी सारा काम हो गया। तो ऐसा है कि अगर यहाँ बल्ब कनेक्ट कर देते हो, जो बल्ब जो है उसका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही लो हो, तो होगा क्या कि जो भी मैक्सिमम करंट होगा इस लो रेजिस्टेंस वाले बल्ब से हमारा पास होगा, यहाँ से जो है बहुत ही कम करंट पास होगा। तो हमारा जो जब हम पावर सप्लाई देंगे तो ये वाला बल्ब हमारा ग्लो करेगा और ये वाला नहीं करेगा, ये ग्लो करेगा भी तो बहुत ही कम इंटेंसिटी में ग्लो करेगा, और ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा इसलिए हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे। अगर आप करना चाहते हो तो घर में आप ट्राई कर सकते हो। तो हमारा कोर आइडिया था वो कि जो करंट है वो हमेशा लो रेजिस्टिव वाले पाथ को से फ्लो होता है। तो ये मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। तो यही तीन रीज़न है जिस रीज़न के वजह से ये जो पक्षिया वगैरह है इतने हाई वोल्टेज में बैठे हुए भी उसको कोई इलेक्ट्रिक करंट नहीं लगता है, कोई इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगता है। तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट नहीं लगना मतलब क्या हो रहा है, उसके बॉडी से करंट पास नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि वहाँ पे हाई वोल्टेज तो है पर उसके बॉडी से करंट पास नहीं हो रहा है। तो यहाँ सवाल ये आता है कि उसके बॉडी से
एग्जामिन पास क्यों नहीं हो रहा है। तो मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग मान लेते हैं कि एक पक्षी है जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन पे बैठी है, तो जब वो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन पे बैठेगी तो वो एक सिंगल वायर पे बैठती है, मान लीजिए वो फेज वायर पे बैठी है तो वहाँ सिंगल वायर है, तो यानी कि सर्किट कंप्लीट नहीं है, क्योंकि हम लोग ने पढ़ा था सर्किट कंप्लीट होने के लिए हमें फेज न्यूट्रल दोनों ही चाहिए, है ना। तो इस वजह से जो है करेंट जो है फ्लो नहीं होता है उसके बॉडी से। पर अगर कुछ ऐसा हुआ कि वो पक्षी बड़ी है और वो अपना पंख फैलाती है और दोनों ही वायर कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, तो इस केस में क्या होगा, करेंट उसके बॉडी से फ्लो होते हुए जाएगी क्योंकि सर्किट कंप्लीट है, तो और वो मर जाएगी। और ऐसा होता है, बहुत बार होता है, और पक्षी ऐसे मरती भी है। तो ये तो पहला केस। और दूसरा जो हम लोग ने बात की थी कि करंट तभी फ्लो होगा जब दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो, तो देखिए यहाँ पे वो दो पॉइंट क्या है, अगर ध्यान से देखोगे, ठीक से देखोगे, जूम करके देखोगे कि पक्षियाँ कैसे बैठती है, वो अपने पैरों के बल पे बैठती है, तो दो पैर होता है उसका, तो दो पॉइंट होता है, तो एक पॉसिबिलिटी बनता है अगर इस दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता तो जो करंट है हमारे एक पैर से होते हुए, बॉडी से होते हुए हमारे दूसरे पैर से निकल जाता, तो ऐसा हो सकता था, तो इस केस में उसको इलेक्ट्रिक करंट लगता। पर क्या है कि इस दो पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो ऑलमोस्ट सेम है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। पर आप अगर जिद करोगे कि नहीं यार, मैंने तो बताया था कि अगर वायर से, अगर कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब ये होता है कंडक्टर के हर एक पॉइंट का जो पोटेंशियल है एक दूसरे से डिफरेंट है, और ये सही भी है, तभी तो करंट फ्लो होगा, अदरवाइज क्यों फ्लो होगा। अगर दो पॉइंट का जो पोटेंशियल सेम होगा तो क्यों फ्लो होगा करंट, तो ठीक हो, एकदम सही हो। पर यार यहाँ पे तीसरा लॉ आ जाता है हमारा कि करंट उसी पाथ को फॉलो करता है जहाँ पे उसको कम रेजिस्टेंस मिलता है। ये जो दो पैर उसका होता है, इसके पैर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, 1 मेगा ओम के ऑर्डर पे होता है। इस वजह से जो है, आप खुद ही बताओ मुझे करंट कौन सा पाथ को फॉलो करेगा, कि चाहेगा कि उसके पैर से जाने की कोशिश करेगा, ऑब्वियस सी बात है कि वो कंडक्टर से जाएगा क्योंकि वहां पे कम उसको रेजिस्टेंस मिलता है। तो यही रीजन है कि इतने हाई वोल्टेज पे बैठे के बावजूद उसको कोई इलेक्ट्रिक करंट नहीं लगता है, इसलिए क्योंकि उसकी बॉडी से करंट पास नहीं होता है। और दूसरा जो हमारा सवाल था कि क्या अगर हम लोग वहां पे बैठ जाएंगे तो हमें इलेक्ट्रिक लगेगा, तो ये बात ऐसा है कि अगर हम लोग वहाँ पे बैठ जाते हैं तो हमें कोई इलेक्ट्रिकल करंट नहीं लगेगा अगर हम लोग सिंगल वायर पे बैठते हैं। पर अगर कुछ ऐसा हुआ कि अगर हमारा बॉडी जो है वो ग्राउंड के साथ में कॉन्टैक्ट में आ गया तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि वो जो वायर है बहुत ही हाई पोटेंशियल है और ग्राउंड का जो पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है, तो इन दोनों के बीच में बहुत ही पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, तो पोटेंशियल जब डिफरेंस आता है तो हमारा क्या होता है, करंट फ्लो होता है, तो हमारे बॉडी से करंट फ्लो होकर हम लोग मर जाएंगे। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला। पर यार ऐसा ट्राई मत करियो, और ट्राई कर भी नहीं पाओ। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक तो करिएगा ही, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना, और बेस्ट पार्ट क्या मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि आपके एक लाइक एक कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो मैं बता दूं, मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आता रहता हूं, और भी बहुत सारी वीडियोज मैंने चैनल पर ऑलरेडी बनाकर रखा है, तो आप जाके देख सकते हो, मुझे सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और जहाँ से पहले सब्सक्राइब कर दिया तो मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में। चल दें, ठीक है, बाय बाय।